स्वागत करता हूँ दोस्तों इस अपने YouTube चैनल RK चैनल में। दोस्तों हमारे सामने एक पॉट है जिसे हम गमला बोलते हैं। दोस्तों इस पॉट में मेरा एक पेड़ लगा हुआ है जिसका नाम है गिलोटिया। दोस्तों इस पर कुछ मेरे फूल आए हुए हैं नारंगी कलर के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पेड़ों की रक्षा हम कैसे करें और उन पर फ्लावरिंग नहीं आती है वो किस लिए नहीं आ रही है, और आती हुई है तो फ्लावरिंग भी हो रही है तो वो जड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों पॉट हमारा आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। ये कुछ मेरी ये देखिए दोस्तों होता क्या है, ये कुछ ब्रांच हैं जो ओल्ड हो जाती हैं, आप इन्हें कट कर दें। ये देखिए जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, और कुछ दोस्तों ऐसा होता है कि फ्लावरिंग आ जाती है तो वो सूख जाती है। ये देखिए ब्रांच भी ख़राब हो जाती है। ये देखिए कुछ मेरी फ्लावरिंग आई है पर लेकिन वो धूप के कारण ये जल चुकी है। ये देखिए जगह जगह से। अब दोस्तों फ्लावरिंग की बात करें तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में, ये देखिए फ्लावरिंग कितनी सॉफ्ट हो रही है मेरी। दोस्तों आपको करना क्या है कि आप वाटरिंग सही टाइम से दें तो इसके लिए बहुत फ़ायदा है इस पेड़ के लिए। और दोस्तों करना क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसी बातों का जो कि इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि जो कि केले के छिलकों का खाद होता है वो करीबन आप 85 ग्राम इसमें खाद दें आप, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए कुछ मेरे पॉट भी हैं और उनमें भी मैंने खाद लगाया है। ये तो देखिए पॉट मेरे कितने ग्रीन हैं और पेड़ इनमें पॉट में लगे हुए हैं। तो पेड़ मेरे कुछ काफ़ी अच्छे हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों करना क्या होता है कि हमें इन पेड़ों को धूप से बचाना बचाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पेड़ ऐसे हैं क्योंकि ये इन्हें धूप लगनी नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इन पर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ये जल जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गर्मी का टाइम चल रहा है इसलिए। और दोस्तों अगर आप केले के छिलकों का आप जो खाद है अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे इसमें तो 7 दिन में करीबन 7 दिन में आपकी फ्लावरिंग होने लगेगी और जो पेड़ ग्रो नहीं हो रहे हैं वो ग्रो होने लग जाएंगे आपके। और दोस्तों पॉट की बात करें, पॉट होना चाहिए कम से कम आपका 10 इंच चौड़ा, क्योंकि मेरा ये पौधा है ये देखिए करीबन ये 2 फुट का पौधा है, मेरा पॉट तो छोटा है ये देखिए। तो फिर भी आप मैं तो आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये पॉट मेरा छोटा है पर भी पर इसमें देखिए फ्लावरिंग मेरी कितनी सॉफ्ट हो रही है। और इनकी पत्तियाँ की आप बात करें, कुछ पत्तियाँ मेरी बैंड हैं ये देखिए, अब मैं इसमें जो मेरा खाद है वो मैंने आपके सामने इस दे दिया है ये देखिए। और इस पर फूल आए हुए हैं नारंगी कलर के, ये देखिए पॉट करीबन आप दोस्तों कम 10 इंच चौड़ा लें तो उसमें इनकी जो सतह और इनकी जड़ें हैं वो चौड़ाई में फैलेंगी तो फ्लावरिंग तो अपने आप होने लगेगी। दोस्तों अब आपको सिर्फ 2 चीज़ का ख्याल रखना है, इनमें वाटरिंग सही टाइम से देनी है सही टाइम से, और धूप से इन्हें बचाना है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं क्योंकि वो धूप में ही रखे जाते हैं, जैसे कि हमारा नीम का पेड़ होते हैं जो पॉट में लगे हुए हैं या ग्राउंड में तो वो धूप में ही रखे जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कितनी मेरी फ्लावरिंग आई हुई है। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं फ्लावरिंग अच्छी हो हमारे पास तो ये आजमा कर देखिए आप। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।